खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चा चोरी की। अफवाह से आपको सबसे पहले सावधान करेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश भी ये अफवाह पहुंच चुकी है बच्चा चोरी की। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बच्चा चोरी के शक में पिटाई का मामला सामने आया। सिंगरौली में बच्चा चोरी की घटना सामने आई है। देवरी गांव में बच्चा चोरी के शक में दो युवकों की धुनाई कर दी। कजना गांव में बच्चा चोरी के शक में साधु बाबा की पिटाई कर दी। तो इस अफवाह से हम आपको सावधान करने आए हैं। देवरी गांव में बच्चा चोरी के शक में दो युवकों की धुनाई कर दी गई। पुलिस की अपील है कि बच्चा चोरी की अफवाह पर ध्यान ना दें। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साधु बाबा की पिटाई करते ये लोग, गांव के लोग, सिंगरौली की तस्वीर। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। और बच्चा चोरी की अफवाह के चलते ये पिटाई का मामला सिंगरौली से सामने आया है। ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसके बीच अब ये अपील की जा रही है कि मारपीट ना करें, अफवाह पर ध्यान ना दें। देवरी गांव में बच्चा चोरी के शक में दो युवकों की धुनाई का मामला सामने आया। इधर कंचना गांव में बच्चा चोरी के शक में साधु बाबा की पिटाई कर दी गई है। पुलिस भी अपील कर रही है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, पुलिस को सूचना दें। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिंगरौली की तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बच्चा चोरी के शक में पिटाई करने का मामला सामने आया और साधु बाबा की पिटाई यहां कर दी गई। इधर पुलिस अपील कर रही है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। कचना गांव में बच्चा चोरी के शक में साधु बाबा की पिटाई करने का मामला सामने आया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार इस तरह के मामले न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश बिहार में भी सामने आ रहे हैं। और उसके बाद ये ताजा मामला सिंगरौली से सामने आया जहां बच्चा चोरी के शक में साधु की, बाबा की पिटाई कर दी गई, कुछ युवकों की पिटाई कर दी गई। करीब दो युवकों को पीटा ग्रामीण लोगों ने, गांव के लोग। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लात और घूसों से ये संत की, साधु बाबा की पिटाई करते लोग नजर आ रहे हैं। तो बच्चा चोरी की अफवाह से सावधान हम आपको कर रहे हैं। बच्चा चोरी की अफवाह से सावधान रहने की बात पुलिस भी कह रही है और ये अपील करते हैं हम कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, पुलिस को सूचना दें सबसे पहले। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली से ये दो तस्वीरें सामने आई जहां अलग अलग घटनाओं में पिटाई कर दी गई, दो युवकों की पिटाई की गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सिंगरौली की तस्वीर है। यहां ग्रामीणों ने बच्चा चोरी के शक में दो युवकों को पीटा, उसके बाद पुलिस आई। इधर एक और तस्वीर सिंगरौली से भी सामने आई है। भीख मांगने वाला अनिल चौहान नाम का रावर्ट्सगंज का व्यक्ति था और उसको लोगों ने पकड़ करके बच्चा चोर समझ करके पुलिस को सूचना दिया था, जो कि पूर्णतः सूचना गलत साबित हुई। मैं जनता से और अपने सिंगरौली कोतवाली क्षेत्र के लोगों से बार बार यह अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी अफवाह पर ध्यान न दिया जाए। इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह कहीं भी जिले में नहीं घूम रहा है जो कि किसी प्रकार के बच्चा चोरी के गिरोह के घटना में संलिप्त पाया गया हो। ये एक महज अफवाह है। तो महज अफवाह की बात पुलिस कर रही है और साफ तौर पर अपील की है पुलिस ने सिंगरौली की जनता से, वहां की जनता से, कि बच्चा चोरी की अफवाह पर ध्यान ना दें, सबसे पहले पुलिस को सूचना दें, बच्चा चोरी की अफवाह से सावधान करने हम आपको आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में बच्चा चोरी की अफवाह तेजी से फैल रही है और इस बीच दो घटनाएं सिंगरौली से ही सामने आई है जहां दो युवकों की पिटाई कर दी गई बच्चा चोरी के शक में। इधर एक साधु बाबा की भी पिटाई कर दी गई। देवरी गांव में बच्चा चोरी के शक में दो युवकों की धुनाई कर दी गई। इधर कंचना गांव में बच्चा चोरी के शक में साधु बाबा की पिटाई कर दी गई। इधर बच्चा चोरी से लगातार इस तरह की अफवाहें सामने आ रही है। ये देखिए, सीतामढ़ी, चंदौली, प्रयागराज, कौशाम्बी, कासगंज, जौनपुर के अलावा मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सरायबरेली और बलरामपुर में तस्वीरें इस तरह की सामने आई है। शहर शहर बच्चा चोरी की अफवाह तेजी से फैल रही है और इस बीच ये मामले मारपीट के सामने आ रहे हैं। और इस बीच ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही सामने आई, सिंगरौली में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जैसी कि सीतामढ़ी, चंदौली, प्रयागराज, कौशाम्बी, कासगंज में सामने आई है, बल्कि जौनपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, रायबरेली और बलरामपुर में भी सामने आई है। तो ऐसे में सावधान आपको कर रहे हैं, शहर शहर बच्चा चोरी की अफवाह तेजी से फैल रही है और मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बच्चा चोरी के शक में पिटाई कर दी गई, दो युवकों की पिटाई करी, बल्कि एक दूसरी घटना में एक साधु बाबा की पिटाई कर दी गई। मामला सिंगरौली का है, देवरी गांव में बच्चा चोरी के शक में करीब तीन लोगों की पिटाई कर दी गई, एक घटना में दो युवक को पीटा, उसके बाद एक साधु बाबा को पीटा।
और चलेंगे सिंगरौली, बात करेंगे सहयोगी पुष्पलेश द्विवेदी से। पुष्पलेश, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही इस अफवाहों को लेकर, पुलिस क्या कुछ कह रही है और जनता में कैसा डर, किस तरह की अफवाह फैली? आपको बताना चाहेंगे, फिलहाल अभी हम बिननगर थाना में खड़े हैं, यहाँ पर हालांकि इस तरह की अफवाहें अभी नहीं आई है और ना ही किसी तरह की किसी के साथ मारपीट हुई है। लेकिन कोतवाली थाना और चितरंगी थाना क्षेत्र में ऐसी दो घटनाएं हुई हैं जहां पर बच्चा चोरी के मामले में कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बाबा को लोगों ने पकड़ करके जम के पीटा। वहीं दूसरी जो घटना है वो चितरंगी थाना क्षेत्र के देवरी गांव की है, जहां पर दो युवकों को लोगों ने जमकर पीटा। मामला संज्ञान में आने पर मौके पर पुलिस ने पहुंच करके मामले को शांत कराया और जिनके साथ मारपीट हुई थी उनको अभिरक्षा में लेकर के जो भी उचित कार्रवाई थी कार्रवाई करके उनको छोड़ दिया है। अब जिले की जो पुलिस है वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने सभाएं करके और लोगों को जागरूक कर रही है कि ये जिस तरह की अफवाहें फैल रही हैं उस पर आप लोग ध्यान ना दें। यदि इस तरह की कुछ भी बातें आपके संज्ञान में आती हैं या आप को ऐसा कुछ लगता है तो इसकी तत्काल सूचना अपने नजदीकी थाना क्षेत्र में दें और पुलिस को सूचित करें कि वहां पर पुलिस पहुंच करके जो भी मामला है उसको देखेगी, जांच पड़ताल के बाद जो भी उचित लगेगा उस पर कार्रवाई करेगी। इसके अलावा पुलिस ने लोगों से लगातार अपील भी कर रही है कि इन अफवाहों पर ध्यान ना दें। पुष्पलेश, बहुत शुक्रिया खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में फिलहाल अपील पुलिस यहां पर कर रही है आम लोगों से कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें और सावधानी बरतें, पुलिस को इसकी सूचना दें अगर जरा सा भी शक आपको लगे तो।